हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल द अल्टीमेट ट्रेल्स पे। तो चलिए आज इस वीडियो को हम बात करेंगे ताज एक्सप्रेस की हिस्ट्री के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ताज एक्सप्रेस की शुरुआत 1964 में दिल्ली से आगरा जाने वाले पर्यटकों के लिए यानी डेली बेस्ट पैसेंजर्स और स्पेशली जो ताजमहल देखने के लिए हमारे फॉरेनर्स लोग आते हैं उनके सेवा के लिए शुरू की गई थी। और इस ट्रेन को शुरू करने के बाद इस ट्रेन की टोटल टाइमिंग नई दिल्ली से आगरा तक लगभग 2.5 घंटे लगती थी, जो कि अदर्स ट्रेन्स के मामले में 3 घंटे है और ये 2.5 घंटे में इस दूरी को कवर करती थी। और दोस्तों, रोचक बात यह है कि उस टाइम नई दिल्ली से आगरा कैंट के बीच में ताज एक्सप्रेस का मात्र एक हॉल्ट था, यानी ट्रेन सिर्फ नई दिल्ली से आगरा के बीच में एक जगह रुकती थी। और सन 1988 में भोपाल शताब्दी के शुरू होने के पहले यह विदेशी पर्यटकों के बीच बहुत ही पसंदीदा ट्रेन मानी जाती थी। ये कह सकते हैं आपकी विदेशी लोग जो भी आते थे आगरा घूमने के लिए, वह इस ट्रेन को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे और इसी में अपनी यात्रा करते थे। फिर 2006 में ताज एक्सप्रेस को नई दिल्ली से झांसी तक एक्सटेंड किया गया। और इसी प्रकार दोस्तों, यदि हम बात करें तो ताज एक्सप्रेस की लोकप्रियता इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि इसे आगरा कैंट से हटाकर आगे एक्सटेंड किया गया था ग्वालियर तक। और 2006 में इसकी डिमांड को और ज़्यादा बढ़ने के कारण इसे एक्सटेंड किया गया झांसी तक। तो अब यह ट्रेन नई दिल्ली से झांसी तक चलती है। यदि हम पहले की बात करें तो दोस्तों, ताज एक्सप्रेस पहले जब इसमें डीजल लोकोमोटिव यूज़ किया जाता था 1964 में 105 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ते हुए इस रूट पर ताज एक्सप्रेस 2 आवर्स 35 मिनट्स में अपनी जर्नी कंप्लीट करती थी नई दिल्ली से लेकर आगरा कैंट के बीच में। और इस समय इस ट्रेन को हॉल्ड करता था हमारा WP7003 स्टीम लोकोमोटिव, जिसकी फ़ोटो आपको इस वीडियो में दिख रही होगी। और उस टाइम यह विदेशी पर्यटकों के बीच में इतनी स्पेशल ट्रेन थी क्योंकि ये इसकी टाइमिंग इतनी अच्छी थी कि उन्हें शाम को दिल्ली लौटने से पहले ताजमहल, उसके पड़ोसी स्मारकों का दौरा करने का पूरा मौका मिल जाता था और वह अच्छे से सबका भ्रमण कर लेते थे और वापसी में ताज एक्सप्रेस को पकड़कर वापस नई दिल्ली आ जाते थे। और यदि बात करें तो पहले इस ट्रेन को बुधवार को नहीं चलाया जाता था, और जैसा कि आप सबको पता होगा कि शुक्रवार के दिन ताजमहल भी बंद रहता है, तो एक तो बुधवार को ट्रेन नहीं चलती थी और शुक्रवार के दिन भी नहीं चलती थी, जिसके द्वारा भारतीय रेलवे को काफ़ी घाटा लगता था। यानी वीक में 2 दिन पहले ताज एक्सप्रेस बंद रहती थी। इन 1985 अक्टूबर में ताज एक्सप्रेस में हमारा डीजल लोकोमोटिव यानी WDM2 का उपयोग शुरू हुआ। एंड 1985 में तत्कालीन रेल मंत्री माधवराव सिंधिया ने ताज एक्सप्रेस को ग्वालियर जंक्शन तक बढ़ाया। 5:20 पर यात्रा का समय था, जो कि हजरत निजामुद्दीन से सुबह 7:10 पर रवाना होकर 12:30 ग्वालियर पहुँचे और वापसी का समय 3:10 ग्वालियर से था और 10:30 रात को, यानी हजरत निजामुद्दीन 10:30 रात को यह वापस आती थी। सन 1986 में ताज एक्सप्रेस में इलेक्ट्रिक इंजन का इस्तेमाल शुरू हुआ और 1 जुलाई 2006 को ट्रेन का विस्तार ग्वालियर से हटाकर झांसी तक किया गया। और उसके बाद यदि हम इसके एलएचबीपीकेशन पर नज़र डालें तो 4 जनवरी 2016 को इस ट्रेन को पुराने ICF डिब्बों से हटाकर नए अत्याधुनिक डिज़ाइन के काफ़ी सुरक्षित LHB डिब्बे प्रदान किए गए। इन द ईयर 2018 21 फरवरी, यानी कि 21 फरवरी 2018 को ताज एक्सप्रेस का गंतव्य स्टेशन, ऑरिजिनेटिंग स्टेशन यानी कि हजरत निजामुद्दीन, जहाँ से पहले ये गाड़ी डेली अपनी सेवा देती थी, उसको हटाकर चेंज करके इसे नई दिल्ली तक एक्सटेंड किया गया। और नई दिल्ली से अब ये ट्रेन डेली अपनी सेवा नई दिल्ली से लेकर झांसी तक के बीच में देती है। तो ये थी दोस्तों हमारी काफ़ी रोचक ताज एक्सप्रेस के इतिहास के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अगर ये वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।